बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड कासिब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। आज हम काफ़ी इजी और सिंपल रेसिपी बना रहे हैं। आज हम तड़के वाली चने की दाल बना रहे हैं, जो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ईजी और सिंपल है। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने चने की दाल एक कप ली है। मैंने इसको एक घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अभी मैंने देचकी में इसको पानी के साथ ही दाल को अंदर डाल दिया हुआ है। स्टोव ऑन मैं कर देती हूँ, साथ ही बाकी मैं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करूँगी। अभी मैंने एक टमाटर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, पील किया हुआ मैंने एक टमाटर है ये ऐड कर रही हूँ। तीन सब्ज़ मिर्चें मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं लेस देन हाफ स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। सेम थिंग मैं थोड़ी सी सुरख मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी हल्दी ऐड करेंगे, साथ ही अभी मैं कूटा हुआ ज़ीरा है ये ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। मोटी इलायची और ज़ीरा ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर। साथ ही मैं कड़ी पत्ता है, 2 कड़ी पत्ते ऐड कर रही हूँ। मेन यही इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको अभी दाल को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अराउंड 15 मिनट्स इसको ऐसे ही रख देते हैं, उसके बाद हम इसको तड़का लगा देंगे एंड देन इट्स डन। जैसे कि आप ये देख लें, दाल का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो ही गया है। 2-3 मिनट में इंशाल्लाह खुश्क हो जाएगा। सो मीन टाइम अभी मैं तड़का रेडी कर रही हूँ। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और मैंने एक ऑनियन लिया है नॉर्मल साइज़ का, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ऑनियंस को सिर्फ ब्राउन ही करना है, जब ब्राउन हो जाएंगे तो वो तड़का हम उसके दाल के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे कि आप ये देख लें, दाल का ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो गया है, तो तड़का भी ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इट्स योर चॉइस अगर आपने बटर ऐड करना है कि नहीं करना, लेकिन मैं बटर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब मैं तड़के को इसके अंदर ऐड कर देते हैं, चूल्हे को बंद कर देते हैं और राइट अवे ही अभी मैं स्टोव स्लो कर रही हूँ। बस 2 मिनट इसके अंदर रहने देंगे, देन हमारी दाल रेडी है। नम नम।